ओलंपिक चैंपियन और भारतीय स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतते हुए एक बार फिर से देश का नाम रोशन किया है। नमस्कार, मैं गरिमा, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। नीरज चोपड़ा विश्व चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अरशद नदीम को मात देते हुए जेवलिन थ्रो स्पर्धा के नए वर्ल्ड चैंपियन बने। इसके बाद नीरज चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं कभी खुद को सर्वकालिक महान खिलाड़ी कहलाना पसंद नहीं करूंगा, मुझे अभी काफी चीजें करनी है। जेवलिन थ्रो में अगर आप किसी को सर्वकालिक महान कहें तो वह 3 बार के ओलंपिक व विश्व चैंपियन चेक गणराज्य के जॉन जेलेजानी हैं, जिनके नाम 98.48 मीटर का विश्व रिकॉर्ड है। आपको बता दें कि ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में क्वालिफायर और फाइनल में शीर्ष पर रहने वाले दिग्गज जॉन जेलेजानी के बाद एथलेट बने। नीरज चोपड़ा के इस बयान के बाद कहा जा रहा है कि कोई खिलाड़ी इतनी सफलता के बाद अपने पैर जमीन पर कैसे रखे, यह कोई ओलंपिक व वर्ल्ड चैंपियन नीरज चोपड़ा से सीखे।